आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संभल में नकली खल पर असली मार्का का लगाकर विक्रेता और बनाने वालों पर असली कंपनी मालिक की छापामारी। संभल में नक्कालों से सावधान लिखने वाले खुद असली कंपनी मालिक की गिरफ्त में आ गए, जहां पर अलीगढ़ सदर के कंपनी मालिक दीपक के द्वारा मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर खल विक्रेताओं और बनाने वालों पर पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 70 बोरी नकली किस्म की खल को बरामद किया गया है। जनपद संभल के थाना क्षेत्र गन्नौर की चौकी चुनावई में अलीगढ़ रहने वाले दीपक कंपनी मालिक को मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर श्री कृष्ण गोपाल मार्का लगाकर के बेच रहे नक्कालों और बनाने वालों से लगभग 70 खल की बोरी बरामद की गई है, जहां पर मिली सूचना पर अलीगढ़ सदर के रहने वाले दीपक कंपनी मालिक ने पथरिया रोड जुनावई चौकी क्षेत्र के गांव धनीपुर गांव में शुगड़पाल पुत्र रोहन सिंह, तूफान सिंह तथा अन्य कई जगह से नकली मार्का लगाकर के बेचने वालों और बनाने वालों को पकड़ा गया है, जिसमें नकली खल बनाने के लिए लकड़ी का बुरादा तथा नकली रंग का इस्तेमाल कर गोरख धंधा चला रहे थे। वहीं संभल में कारोबारियों और विक्रेताओं को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में गया है। सर, ये खल पकड़ी है जी? ये खल जो है नकली खल बनाकर कुछ लोग असामाजिक तत्व पशुओं के लिए स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और बहुत हानिकारक पदार्थ उसमें मिलाते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा है, हानिकारक रंग है और केमिकल है, जो कि पशुओं की जान के लिए बहुत खतरा है। और मेरी फर्म अलीगढ़ स्थित है और मैं DS ब्रांड खल इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और मैं उसकी बेचने का काम करता हूँ। तो यहाँ लोग उससे मिलते जुलता बारदाना और पैकिंग का प्रयोग करके यहाँ भोली वाली जनता को और गरीब किसानों को वो माल बेच रहे हैं और पशुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही दूध की क्वालिटी पर भी उसका बहुत विपरीत प्रभाव जा रहा है और इसके साथ खल पर 5% GST है, तो जो काफ़ी बड़ी मात्रा में बैठती है। 5% के हिसाब से एक ट्रक खल पर लगभग 15,000 रुपये का हम राजस्व अदा करते हैं सरकार को, ये उसकी भी चोरी कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं संबंधित विभागों को भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी उचित कार्रवाई करें और ये खल नकली खल चंदौसी और बहजोई और यहाँ जुनावी के आसपास के क्षेत्रों में बनाई जा रही है और बेची जा रही है। सर, कौन कौन से गांव से खल पकड़ी गई है? ये धनीपुर से पकड़ी है अभी हमने, धनीपुर जुनावी से। धनीपुर में सर किसके यहाँ से पकड़ी गई? धनीपुर में सुगड़पाल हैं, पुत्र रोहन सिंह और एक हमने तूफान सिंह के यहाँ से गोली पकड़ी है। तूफान सिंह जुनावी पतरिया रोड पर हैं और इस प्रकार और भी जगह हम कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस का सहयोग हमें मिल रहा है। सर, कितनी बोरियाँ पकड़ी गई अब तक? सुगड़पाल के यहाँ से हमने लगभग 60 बोरी पकड़ी हैं और अन्य दुकानदारों के यहाँ से भी 10-10 बोरी, 20-20 बोरी, 5-5 बोरी मिल रही हैं और कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, शटर का ताला लगा दिया है, तो वो लोग उपलब्ध नहीं है, जिससे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं।